हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल दोस्तों अपने क्लॉक स्टाइल को सेट करोगे। दोस्तों जो आपका ये सैमसंग कीपैड वाला मोबाइल है दोस्तों, अपने क्लॉक स्टाइल को आप कैसे चेंज कर सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, या आप उसको कैसे सेटअप करोगे अपने फ़ोन में मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आपको अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में क्या करना है, अपने क्लॉक स्टाइल को सेटअप करने के लिए सेट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मेन्यू बटन पर टैप कर देना है। मेन्यू बटन पर टैप करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने सेटिंग वाला आइकन पर आके मतलब सेटिंग आइकन को सेलेक्ट करने आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जैसे प्रोफाइल है, डिस्प्ले सेटिंग है, डेट एंड टाइम सेटिंग और भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं आपके सैमसंग कीपैड वाले फ़ोन में। तो दोस्तों, आपको अपने सैमसंग कीपैड वाले फ़ोन में यहाँ पर आपको अपनी डिस्प्ले सेटिंग को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं आपके सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन दिखता है वॉलपेपर का, अपने वॉलपेपर को चेंज करोगे तो चेंज कर लेना। थीम को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो भी थीम आपको पसंद है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन और थर्ड पर दोस्तों आपको शॉर्टकट टूल बार का ऑप्शन आ रहा है। शॉर्टकट टूल बार दोस्तों यहाँ पर आप एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हो क्लॉक सेटिंग है, तो क्लॉक सेटिंग को दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो सिंगल क्लॉक है यहाँ पर, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड क्लॉक यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, और यहाँ पर आप डुअल क्लॉक को यूज़ करना चाहते हो तो डुअल क्लॉक को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर आप सेट कर सकते हो अपने। दोस्तों, यहाँ पर आप दे सकते हो, मैं इसको यहाँ पे इस वाले पे कर देता हूँ। ठीक है, सेट। अब दोस्तों आप देखते हो जो आपका यहाँ पे सैमसंग कीपैड वाला मोबाइल है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दोस्तों डेट एंड टाइम कुछ यहाँ पे इस तरह शो करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बस डेट शो करे, ओ टाइम शो कर रहा है, टाइम और डेट यहाँ पर आपको शो नहीं करेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपके फ़ोन में डेट है वो रिमूव हो जाती है, आपको बस टाइम टाइम शो करता है आपके स्क्रीन पे। दोस्तों, अगर अपने कीपैड मोबाइल को और आप लॉक करते हो अपने सैमसंग कीपैड मोबाइल को, तो यहाँ पर आपको डेट शो हो जाएगी, जो आपके फ़ोन में डेट होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। दोस्तों, कुछ इस तरीके से अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में आप अपने क्लॉक स्टाइल को सेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।